जब आप रोज़ रोज़ एक ही तरह का खाना खाकर बोर हो जाते हैं, तो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक यूनिक तरह की सब्जी की रेसिपी, और ये बनेगी एक पैकेट दूध से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स किचन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दूध से बनने वाली एक यूनिक सब्जी की रेसिपी। तो दूध से बन रही है तो हमें 1/2 लीटर दूध मैंने ले लिया है, और साथ में मैंने कुछ वेजीज लिए हैं। ये गाजर है, शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, लहसुन है और हरी मटर है। तो चलिए इन सब से आज मैं आपको एक यूनिक सब्जी की रेसिपी बनाना बताती हूँ। तो मैंने दूध को पहले ही गैस पर चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। हमारी दूध अच्छे से उबल रही है। अब हम क्या करेंगे, एक कटोरा में थोड़ा पानी लेंगे और उसमें हम ये वाइट विनेगर होता है ना, वो 2 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इन जो हमारा दूध गर्म हो रहा है उसमें हम ये जो मिक्सचर बनाया था मैंने, वो 1-1 चम्मच करके इस दूध में मिलाएंगे अच्छी तरह से। 1 चम्मच डाला मैंने, अब हम 2 चम्मच भी डालेंगे जब तक कि हमारी दूध फट ना जाए और छेना ना बन जाए। देखिए हमारे 2 चम्मच में ही हमारे दूध का छेना बनकर तैयार हो गया है बहुत अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, अब इन सब्जियों को हम अच्छे से कट कर लेंगे। हमने सारी वेजिटेबल्स को छोटे छोटे कट कर लिए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो हमने जो छेना बनाया था ना, अब हम उसका पानी एक कटोरे में अलग कर लेंगे। हम इस पानी को फेंकेंगे नहीं, हमें इस पानी को रखना है। और इस पानी से हम क्या कर सकते हैं, जब हम आटा गूंथेंगे तो इस पानी से ही आटा गूंथ सकते हैं, या फिर हम जब अगली बार छेना बनाएंगे तो हम दूध में इसी पानी का यूज़ करके छेना बना सकते हैं। देखिए हमने जो छेना लिया है ना, उसका पूरा पानी निचोड़ा नहीं है और ना ही इसे कपड़े में टांगा है, इसे ऐसे ही रहने देंगे हम। अब एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ाएंगे। हमारी कढ़ाई अब गर्म हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। हमारी मस्टर्ड ऑयल अब गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें जीरा का तड़का लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ हरी मिर्च डाल देंगे काट के। हरी मिर्च तड़क गई है, अब हम इसमें जो हमने प्याज चॉप किया था वो इसमें ऐड करेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, फिर हम गाजर इसमें ऐड कर देंगे, उसके बाद हम हरी मटर के दाने भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सबको अच्छे से भूनना है, लेकिन हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और लहसुन की कलियां जो काटी थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इन सब्जियों को अच्छे से भूनना है, लेकिन हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, हमें अपनी सब्जियों की क्रंचीनेस को बरकरार रखनी है। अब हम कुछ मसाले लेंगे जैसे नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। अब हम इन सब मसालों को अपने इन सब्जियों में ऐड कर देंगे और इन्हें थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। हमारा मसाला भून चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने छेना निकाला था ना वो हम इस कढ़ाई में ऐड कर देंगे और इसे भूनेंगे थोड़ी देर। हमारी सब्जियों के साथ हमारा वो छेना अच्छी तरह से भून रहा है और कितना अच्छा कलर आ गया है हमारी ये सब्जी का। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें हमारी सब्जी तो लगभग बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा धनिया इसमें स्प्रिंकल कर देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी यह सब्जी पनीर भुर्जी की सब्जी इतने सारे वेजीज के साथ बनकर बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, और ये सब्जी पूरी पराठे और चावल के साथ आप आराम से आनंद लेके खा सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।